हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। उसके लिए यहाँ पे हमने पनीर लिया है, ये पनीर 250 ग्राम है। और यहाँ पे हमने कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं, 1/2 टीस्पून खड़ा ज़ीरा, 1 काली इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी का और 1 तेज़पत्ता। और यहाँ पे हमने कुछ पिसे मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और ये हमने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हमने टमाटर का पेस्ट लिया है, ये हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। और यहाँ हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और तेल हमारा हो गया है। हम इसमें अपनी प्याज जो हमने ली थी इसे हम डाल देंगे। और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी हो गई है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। अब तेल हमारा गर्म है, इसमें हम जो हमने मसाले रखे थे हम इसे डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट था अदरक लहसुन का, हम उसे डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भून गए हैं अदरक लहसुन। अब हम इसमें हमारे ये पिसे मसाले थे हम इसे डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये नमक सब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। अब जो हमारे पास से टमाटो प्यूरी थी हम इसे डाल देंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, मसाला जो है हमारा अच्छे से कुक हो गया है, ऊपर तेल भी आ गया है। और ये देखिए, यहाँ जो हमने तली हुई प्याज निकाली थी और ये हमारे पास फ्रेश हरी धनिया है पत्ती, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें इसे डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो गया, मसाले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये देखिए, पनीर हमने डाल दिया है। इसे हम धीरे से बस छाएंगे और इसे हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट तक के लिए। ये देखिए, सब्ज़ी जो 1 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी हमारी अच्छी से कुक हो गई है। अब हम इसमें, ये हमारे पास 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, और ये हमारे पास हरी धनिया है फ्रेश, हम इसे डाल देंगे इसमें। ये देखिए, यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम ली है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी हम इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और हम इसमें डाल देंगे, और ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनके तैयार है।
बहुत ही ज़बरदस्त होती है रेसिपी, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग भी ज़रूर अपने घरों में बनाकर ट्राई कीजिएगा।